नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टेंथ के बाद आर्ट्स क्यों ले, आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स में क्या करियर है। टेंथ क्लास स्टूडेंट के लिए एक ऐसा पड़ाव होता है जहां उन्हें अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करियर का चुनाव करना पड़ता है। जब भी कोई स्टूडेंट टेंथ पास करके एलेवेंथ में जाता है तो उसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एवं अन्य संकायों में से कोई एक चुनना पड़ता है। इसी के आधार पर उसकी आगे की पढ़ाई निर्भर करती है। आज के इस वीडियो में टेंथ के बाद कला संकाय में करियर के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो टेंथ के बाद कई ऑप्शन होते हैं जो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, किंतु आज हम यहाँ पर एलेवेंथ में आर्ट विषय लेने के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी ज़रूरी है कि यदि आप एलेवेंथ में आर्ट लेते हैं तो आपको किन विषयों के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं क्या वे सब्जेक्ट हैं जो आपको एलेवेंथ में पढ़ना होंगे। सबसे पहले है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, उसके बाद समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी या अंग्रेजी साहित्य, ये सब कॉमन सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के लिए। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट होते हैं, वे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्थान आदि पर निर्भर करते हैं। आर्ट्स में क्या स्कोप है? आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वह आसान होता है, उसे आसानी से पढ़ा एवं समझा जा सकता है। किंतु ऐसा नहीं है, आर्ट को आप सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकते हैं कि वह आसान है, बल्कि आप आर्ट्स में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे बड़े विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनमें करियर की अपार संभावनाएं होती है। ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स से क्या फ़ायदे हैं? तो ट्वेल्थ आर्ट्स से करने के बाद आपके पास कई ऑप्शन होते हैं जो इस तरह से हैं। पहला है बैचलर ऑफ आर्ट, आप बीए कर सकते हैं। आप ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। दूसरा है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आप एसएससी, रेलवे, भारतीय सेना जैसे परीक्षा दे सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स से करने के बाद आप आईआईटी एवं समतुल्य डिप्लोमा कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।